किसी के मैं बिल्कुल सिंपल आए सैंडविच बनाने जो तरीको मसालो है ये मसाला हो इन्हें मतलब फैलाई नहीं पचाएंगे पांके पांजी मेमन लैंग्वेज का जरूर प्रमोट करनू अस्सलाम वालेकुम की आए बदे के वेलकम मेमन लैंग्वेज व्लॉग में आओ इंजला बिल्कुल स्लो बोली रही है कि मुझे राजा बेटो सुत्तो आए इंगड़ी पा व्लॉग स्टार्ट करी रहे हो कितरो टाइम थी रहे शाम जा 6:30 वगी रहे ताने के शाम जी रूटीन बतानी आऊं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी असर जी नमाज थी भी है ने ई अनस पापोते जो स्कूल जो होमवर्क करन में लगेलो है आई जल्दी जल्दी होमवर्क खत्म कर पे तो जो ना 6:30 वगे तो मदरसे जो टाइम है हम आलू बॉइल करी गनो में पछि अल्हम्दुलिल्लाह हणे मुझे घर में सैंडविच बनना पछि पा चा पकाईना चा नहीं पीजे तो पांजो मथो चढ़ी अचनो अरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेके बदे बता जा के चा ना पीन से किन किन जो मथो चढ़े तो सही है कमेंट करना ना भूलिया करो ने बदे से पहले मुझे व्लॉग स्टार्ट करो ना रो तो पहले लाइक करी दो तेजी भेण के सपोर्ट करो ए सपोर्ट की घणु जरूरत है सिल्वर के कटोरे में ना दही बनाईना सही है मुझे वो कोई मिट्टी की प्लेट तो आई ना मिट्टी जो प्यालो ने एडा दूध गरम करी गिनुमी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एडा पांजी बनी घर जी सारी वारी मिठी मिठी दही बार जी दही तो मजा भी नहीं अचे पानी वाली भी हुई थी ने सीधी गाल है भाई पोसाए नहीं पा के तो एडा पा है ना घर में दही बनाई गिनना ये थोड़ा दूध है ने गरम है एडा दूध के बॉइल करी गिनुमी ने अंदर थोड़ी सी दही उजी ने इनके ना रखी देना तो अल्लाह करनो तो रात तक या काल तक सारी दही बनी उन्नी दही बनी उन्नी तो हमारी लगा जैसा शेयर करनी ना दुआ कर जाओ पापा मेरी दही सारी बने तो पीसी गिनो में बिल्कुल सिंपल है सैंडविच बनाने जो तरीको आलू पीसी गिनो में इंजा तो थोड़ा धनी हुआ है ई नमक है ई वो चाट मसालो है ई लाल मिर्च अद कुटेली है ई थोड़ो जीरो है ई ब्लैक पेपर है पीसेलो ने ई सजा दाणा है एने ई राई है राई चवाई थी कलौंजी चवाई थी मैं खल से तो राई चवाई थी तो ये बदे वो जी ने मिक्स करी किन्ना इन मसालो तैयार थी उन्नू ईद मसाले जो सैंडविच भी बनी उन्ना ने आलू जो पराठा भी बनी उन्ना वो स्लाइस गिनो में इन अंदर ये जो मसालो तैयार करूँ मैं पूरी सारे तरीके से इनके फैलाई गिनो में हाँ इन मत सैंडविच रखनी सैंडविच मेकर में इनके रखी गिननी फिलहाल तो ये अकड़ो सैंडविच बनाने यानी बो सैंडविच बनना विच में से बो पीस थी उन्ना ने अकड़ो है आलू जो पराठो बनाने के दिखाने जो पराठे ला मुझे वो थोड़ा सो अट्टो पियो है सवार जो है जो हम रोटी घरों में इन अट्टो बचेलो पियो हो तो हाँ स्लिप के सारे तरीके से साफ करी गिनो पर मेमणे में खबर है ना सफाई जो घो ख्याल रखो तो जरा से भी चीज़ ऊंची नीची होती तो पाके विच विच थी उन्हें तो सैंडविच मेकर है सैंडविच मेकर के जरा साफ करी गिना सही से पची इनके अंदर सैंडविच रखू था अजान भी थी रही है पची अजान के बाद गाल करूँ था अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सारी परफेक्ट ने बिल्कुल गोल है तो ई तो अकड़ी निशानी है पांजी के पां बिल्कुल ना सुगर बैडी की तरह घरेलू हाउस वाइफ की तरह बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनाने अचन थी मैं सारी तरह याद है जैसे हम नंढी हुई तो 7th क्लास में हुई तड़े ट्यूशन से अचान मेरी माँ चो कि बेटा रोटी करी गई तो मुझे पप्पा ला पी रोटी करा तो पूरी फैमिली ला इनफैक्ट रोटी कराइनी हुई तो तदे से मुझी आदत है तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटी करण की अड़ी आदत पी हुई है कि जी भी रोटी करी गिन जाए अट्टो जेड़ो भी गोयल होए लेकिन रोटी बिल्कुल परफेक्ट बने थी जल्दी जल्दी मैं भी बनाया ना मतलब ये तो भी रोटी परफेक्ट बननी अल्हम्दुलिल्लाह मसालो है ये मसाला इन मतलब फैलाई दी पची इनके दिखाड़ा थी सैंडविच मेकर जी भी बत्ती भी भरी हुई है हाँ बत्ती बुझी उन्हें वापस बढ़नी तो मुझे सैंडविच तैयार थी उन्होंने ये अद मैं फैलामिया ने इनके फोल्ड करनी एडा से ही फोल्ड करी ने एडा मथे गिनने सही है थी ने इनके किनारे किनारे से बंद करी दी ने नहीं बदे आऊँ कम हद से ही करूँ मैं आलू जो मसालो लगान जो भी कोई चमची वगैरह कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूँ मैं क्या नहीं मजा आचे थी विच विच ओपन थे तो ये बदे करने के बाद हाँ इनके इन फ्राई करी दी पहले से फ्राई पैन तैयार रखूँ मैं बहुत वधारे गरम ना हो ने मेरे ध्यान ना हो ना उजी दिन मैं बिल्कुल लो फ्लेम है इसी फ्लेम है क्योंकि गैस ही नहीं घर में बस इतना गैस अची रहे फुल गैस नहीं तो इनके लिए तेल वधारे कोसो ना थो ने इंगड़ी में जो पराठो थी रो पहले फ्लश लाइट भी तो आए कि चूल्हो कितो बरेलो है नजर ना आयो ठीक थी हाँ ये पराठो तैयार थी एडा बे चूल्हे चा बनाई
ने पांजे सैंडविच ने पराठो बो एंजॉय करना केचप जे साथ। अकड़ी तरफ से तो पकी हुआ तो बी तरफ इनके पलटू मियाँ पलटन के बाद पची पा इनके ही उबो रखी एडा से भी पकाई किन्ना ने एडा बी तरफ में जी दूध पत्ती चा तैयार थी रही है ने मुझे राज अबू पकल थी वो आवाज़ लगाई दियो अम्मा अम्मा करी ने इनके नारल लाउना थी उठी हुआ बे मुझे राजा बेटो उठी हुआ मैं खिल्ली ने तो दिखाड़ो मूड को खराब है मुझे राजा जो अबू बकर सीधी जबरदस्त ने यम्मी यम्मी पांजो आलू जो पराठो रेडी है एडा सैंडविच रेडी है ना आलू जो पराठो भी थोड़ा लाल करो मैं सैंडविच भी को मैं थोड़ा लाल बहुत पसंद है थोड़ा कुड़कुड़ो थी तो ना केचप के साथ ने चाय के साथ एंजॉय करना चाय भरू था पंजी चाय पकी रही है पची पा इनके एंजॉय करूँ था लेकिन नमाज के बाद मगरिब की अजान जो टाइम थी है मगरिब की नमाज के बाद पची पा इनके मिली ने एंजॉय करूँ था बदे सही है ने आई बदे की कड़ी लगी रेसिपी ने के नारन में कड़ो लगे तो ऐ के नारन से जायको कड़ो लगे तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता जा ठीक है। अलहमदुलिल्लाह मज़ेदार जो सैंडविच ने आलू जो पराठो ने पाँजी चा रेडी है केचप के साथ इंजॉय करना ये मुझी कुर्सी ने टेबल टेबल कुर्सी ते वही अबू बकर भी उठी हुई है पाँजो राजा ये भी इंजॉय करनो ने इनके साथ इनकी मम्मा भी इंजॉय करनी आओ इनके बीच में से कपी के नुमिया ने इनके भी पीसीस करी के नुमिया चा ठीक है हर एक पेट भरी ने खाई के ना सुकून से पची आई लोगों से गाल कराती ठीक है ने इनके लिए लाइक जरूर कर जा ना कॉमेंट अकड़ो जरूर कर जा भूल जाना घड़ी घड़ी आई लोगों के याद दे रहा है कि सही है कंजूसी ना कर जा। कप के बारे में तो आई लोगों को बता नहीं भूली हुई ई कप मिके मिली वो जमात की तरफ से गिफ्ट और जमात ने वॉलंटियर भी 62 ईयर जो सेलिब्रेशन वो तो एडा पाके पांजी जमात की तरफ से मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन की तरफ से गिफ्ट मिलो वो अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर जो कम करना वहाँ उड़ा सो चाय पीन के बाद ने खेन के बाद पछे ऐसे गाल करूँ था गालियों तो पानी कड़े ख़त्म नहीं थी। सैंडविच ये अबू बकर एडा सैंडविच ने केचप के साथ इंजॉय करी है बस अबू बकर के केचप से मतलब है ना अबू बकर चाय पीने पीने अकली गाल याद आई है गालियों तो घणी याद अचन थी घड़ी घड़ी अचन थी कोई कम कर ला तो सोचा थे हलो ऐसे गाल करी ना एडा फंको हली रो है ना तो आवाज़ भी आई कि गुनगुनाई नहीं अचनी तो गाल ये है कि भाई पांके पांजी मेमन लैंग्वेज के जरूर प्रमोट करनो खपे पांजी मादरी जबान है पाई वो आखिरी नस्ल जो पा मेमणी में गाल करूँ तो हाँ पांजी जितनी भी अचन वाली नस्ल हुई पा इन से उर्दू में गालू करूँ था घर में भी उर्दू लैंग्वेज यूज़ करूँ था तो इनके केड़ा से उर्दू अचे मेमन अचनी अरे मेमन चवाइन भी नहीं तो पांके प्लीज पांजी पोते जी लैंग्वेज के प्रमोट करजे ने मेमन लैंग्वेज में गाल करजे ने पांजे जो लैंग्वेज जो प्रमोट जो चैनल है उनके भी आई सब्सक्राइब कर दियो ने अग्या शेयर भी करो अग्या से वधारे भा भेण तक पुगायो नहीं है कि पांजी मेमणी जबान है ना बसल में खबर है क्रूए कि थोड़ी तोछरी जेरी भी लगे थी ना हाँ अकड़ी एग्जाम्पल है कि नरान बोझाई हुई आपस में तो नरान तो वही हुई बोझाई नंढी हुई तो ये पोते जी बोझाई से तू तराक से गाल करे तो उनके ना साड़ो लगे कि चो ना आओ तो भाभी हाँ तो मारू मैं मान सम्मान से गाल करो आई आई करी ने नहीं चो अरे आऊँ भी मुझे नरान के अगर तू से गाल करा तो खराब लगे ना तो मेमर जबान थोड़ी तोछरी जबान चवाई थी तो पाँ भी आपस में ना घर में भी कोशिश करजे ना कि पाँ मेरे बच्चे से भी आई आई करी ने गाल करजे कि बेटा आई ना करो आई कम करी गिनो तो पांजी जबान में भी चढ़ी अचनो पाँ बच्चे की जबान में भी चढ़ी अचनो पाँजी मेमर जबान तोछरी भी नहीं चवाए नहीं है कि पाँच मेमर जबान बोलन में पाँच बच्चा शर्माइन भी नहीं तो अक्सर मुझे बच्चे के नाड़ में आना बीजे नंबर जो छोकरो है फवाद तो ई इनके थोड़ी बहुत बोलने अच्छे थे लेकिन शर्माई तो बहु तो ये कि बारा भी बोलन था तो शर्माइन था लेकिन ये है कि मिके दौरा भी नहीं शर्म अच्छे हो भाई हाँ तो मार्केट में भी होना ना कोई पाँच मिके अड़ो लगे ना कि कोई मेमर भाई या भेण है तो तो शुरू थी ना पाँजी जबान में तो अकड़ी मज़ा अच्छे थी ना दिल से अकड़ी अटैचमेंट भी हुई थी कि हाँ भाई पाँजी जबान जो है ना कोई भा भेण है पाँजो तो वधारे से वधारे पाँजी मेमन लैंग्वेज के प्रमोट करो ने चैनल के अग्या से अग्या शेयर करो ने ई जरूर पाँजी मेमन लैंग्वेज के जो व्लॉग उजी रही हाँ इनके लाइक करो ताकि मुझे भी हौसला अफजाई थे ने मुझे साथ दियो इनमें ताकि मुझे चैनल भी रन करे ग्रो करे मुझे भी बहुत नीड है सपोर्ट है सपोर्ट की ज़रूरत है इन लोगों की बहुत नीडी पर्सन या आऊँ भी ये है कि मेहनत ही करी रही हाँ ना कोई से मंगी तो नहीं रही कि अल्लाह माफ़ करे पाए पाँच बच्चे के ज़कात किरात कराए जैसे सारो पा वो पैसा मेहनत करी ना कमाई गिन दे तो मुझे चैनल भी रन थी तो पाँजी मेमर जमात भी प्रमोट थी नी नए भा भेणी हो तो हाँ इन लोगों से सपोर्ट जो चीज़ सिखाती क्रो थो बेटा बिहती अबू बकर के केचप खेनू है भाई केचप नहीं मेरे खाली खाली तो पाँजी मेमर जबान के भी सपोर्ट करो ने मुझे भी सपोर्ट करो थैंक यू हाँ चाय पीने गाल करा थी बहुत लंबी गाल थी हुई है पापा।
मेरी चाय तदी थी उनने हाँ माँ कुलो केचप खेनु है केचप दिया थी भाई केचप दिया थी इनके अब लोग हिडा ज्वाइन कराती हेलो अल्लाह हाफिज़ दुआओं में मैं याद रख जा मुझे चैनल के ज़रूर सपोर्ट कर जा मुझे व्लॉग के ज़रूर लाइक कर दी जा लंबो व्लॉग थी उन्होंने तो बदे भा बन छू ना लंबी पिंचात गिरी ने वही भी हाँ आजकल जमाने में कोई वे कुतरो टाइम थोड़ी हो तो बदे बिजी हूं था बस थोड़ा नंडो नंडो व्लॉग बनाया थी ताकि ये है कि आए लोग सारे तरीके से पूरा व्लॉग वॉच भी करी नो लाइक भी करो ज़रूर सपोर्ट कर जा अल्लाह हाफिज़ जजाकल्ला दुआओं में ज़रूर याद रख जाएंगी बहन के।